हेलो एवरीवन, तो मैं अपने इंट्राडे के ट्रेड्स कैसे लेता हूँ, मैं किन चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड लेता हूँ, क्या मैं ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रेड लेता हूँ, या मैं ग्लोबल मार्केट को फॉलो करके ट्रेड लेता हूँ, या मेरा ट्रेड लेने के पीछे उनका माइंडसेट क्या रहता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं अपने इंट्राडे ट्रेड लेने का प्लान कैसे बनाता हूँ। मैं मेनली तीन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जिसमें पहले नंबर पर आता है इम्पॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले मैं मार्केट ओपन होने से पहले अपने इम्पॉर्टेंट लेवल को फाइंड करता हूँ। मैं मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास सिस्टम ऑन करता हूँ। उसके बाद सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट लेवल को निकालना। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम होता है इम्पॉर्टेंट लेवल को निकालना। जैसे ही मैंने अपने इम्पॉर्टेंट लेवल निकाल लिए, उसके बाद मैं अपना व्यू बनाता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे सी सेल करना है कि पीई सेल करना है। ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे करता है, ये डिफाइन करता है मेरा इम्पोर्टेंट लेवल। अगर मेरे सेलिंग एरिया पर मार्केट आएगा या रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट आता है तो मेरा व्यू बेरिस होता है। बेरिस में मैं क्या करता हूँ, कॉल सेल करता हूँ। अगर मार्केट मान लो कि हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं मैं बाइंग यानी कि मैं पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ। मोस्टली केसों में आपने देखा होगा कि मैं मार्केट ओपन होने के पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं कॉल सेल करूँगा कि मैं पुट सेल करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपना टेलीग्राम चैनल, इसमें मैंने बता दिया 9:14 मिनट पर ही कि आज मैं कॉल सेल करूँगा। ऐसा मैंने काफ़ी बार किया हुआ है और मैं कुछ लेवल्स वगैरह भी कभी कभी इस पर दे देता हूँ। तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अपना देखो इकलौता एक चैनल जिसमें लगभग 7,900 सब्सक्राइबर हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी चैनल आपको दिख रहे हैं वो सब फेक है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और एक बार जो मैं व्यू बना लेता हूं, तो सी सेल अगर मेरे को करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट में रेजिस्टेंस के आसपास आता है, मुझे सी सेल करने का एंट्री मिलती है, देन मैं पूरे दिन जो मैं करूँगा वो केवल केवल सी सेल ही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली सी सेल करने की बात करता हूँ तो मैं फिर पूरे दिन सी सेल करने पर ही बैठता हूँ। अगर मैं पी सेल करने की बात करता हूँ तो फिर मैं पूरे दिन जो है वो पी सेल ही करता हूँ। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मैं जो व्यू बनाता हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। और थर्ड पर आती है एंट्री। ठीक है, थर्ड पर आती है हमारी एंट्री। एंट्री करने के लिए हम, अगर मुझे कॉल सेल करना होता है, हालांकि मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेल करता हूँ, कॉल सेल मतलब आप बेरिस व्यू भी मान सकते हैं, तो मैं जैसे इंट्राडे में काम करता हूँ टॉप पर मैं कहीं ना कहीं कॉल सेल करने की अगर मुझे एंट्री मिलती है दिन में कॉल को सेल करता हूँ। अगर वही बात बारी आती है पुट सेल करने की, ठीक है, तो पुट सेल जब भी करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं मैं बॉटम में पुट सेल करने का ट्राई करता हूँ। अगर बॉटम मुझे पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है दिन में पुट सेल करता हूँ। तो मेजर मैं जिन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ना मैं कोई ओआई देखता हूँ, ठीक है, ना ही मैं कोई ग्लोबल मार्केट को फॉलो करता हूँ, मैं काफ़ी कम से कम और सिंपल चीज़ों को फॉलो करता हूँ गाइस। ये एक मिथ है कि आप बहुत सारे डेटा और बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करके ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ऐसा मेरे नज़रिए में बिल्कुल गलत है। मैं जितना कम से कम चीज़ों को हो सके मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मुझे लेवल निकालने में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। व्यू बनाने में आपने देखा होगा कि मोस्टली केस में, अगर मार्केट, जैसा कि आप जानते हो कि मोस्टली केस में मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, काफ़ी बार मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है। गैप अप में कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू होता है वो मैक्सिमम टाइम में सी सेल ही करता हूँ। ठीक है, और गैप डाउन में मैं मोस्टली पी सेल ही करता हूँ। ठीक है, इसका क्यों करता हूँ, क्या लॉजिक होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी बना रखी है जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है। ये वाली वीडियो है गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में इन डेप्थ में बताया है कि मैं क्यों गैप अप में कॉल सेल करता हूँ और क्यों गैप डाउन में पुट सेल करता हूँ, और पूरा मार्केट में दिखाया भी है कि किस तरह से गैप अप और गैप डाउन में मार्केट रिएक्ट करता है। तो जो मेरा मेजर होता है, मैं मेजर केवल केवल 3 चीज़ों पर फोकस करता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट लेवल, दूसरा स्ट्रॉन्ग व्यू, तीसरा एंट्री। अब एंट्री लेने के लिए कुछ देखिए कुछ क्राइटेरिया हमने फिक्स करके रखा हुआ है। जैसे कि अगर मुझे कॉल सेल करना है तो मैं टॉप पर ही कॉल सेल करूँगा। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं टॉप पर कॉल सेल करना पसंद करता हूँ। अगर मुझे पुट सेल करना है तो मैं बॉटम में पुट सेल करता हूँ। ठीक है, बॉटम में पुट सेल करता हूँ। अब ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, एंट्री लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल्स हैं जिसको मैं कुछ आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखता हूँ, मुझे चाहिए स्मॉल लॉस। एक चीज़ समझ जाइए, मैं कोई भी ट्रेड लूँ
चाहे उसने मुझे कितना भी बड़ा प्रॉफिट क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन मैं जो रिस्क होता है, जो एसएल होता है, वो हमेशा स्मॉल ही होता है। अगर मुझे बड़ा लॉस मिल रहा है, बड़ा ट्रेड मिल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी से शिफ्ट हो जाऊँ निफ्टी पर, ठीक है। कि अगर मुझे बैंक निफ्टी मान लो बड़ा लॉस मिल रहा है, तो मैं निफ्टी में ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे एंट्री मिल रही है लेकिन बड़े ही लॉस में मिल रही है, तो या तो मैं अपनी क्वांटिटी कम कर लूँगा, या तो मैं ओटीएम का सेल करूँगा, या तो मैं ट्रेड लेना ही अवॉइड करूँगा, ठीक है। लेकिन किसी भी कीमत पर मैं बड़े रिस्क पर काम नहीं करता हूँ। अगर आपको यही सब सिस्टम पूरा डीप में, डिटेल में, फ्री में भी सीखना है, तो आपको मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आपका डीमैट अकाउंट भी फ्री होगा। मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, ऑप्शन सेलिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ वन मंथ का ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज आपके नहीं लगेंगे। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते तो रेगुलरली है, बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और आप अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन की फील्ड में नए हैं, तो आप ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स फ्री में हमने लॉन्च करके रखा हुआ, पूरा ऑप्शन आपको प्रैक्टिकली इसमें समझा दिया गया है। ऑप्शन नहीं सीखना समझना डिटेल में, तो ऑप्शन प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो, और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिस आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मिलते हैं।